हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। किसी ने धूल क्या झोंका आंखों में, किसी ने धूल क्या झोंका आंखों में, कमबख्त पहले से बेहतर दिखने लगा। हाँ विद्यार्थी, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन का, सरलीकरण का तीसरा वीडियो, और ये है वर्गांतर के सूत्र पर आधारित प्रश्न। तो वर्गांतर के सूत्र के बारे में जो हम लोग जानते हैं पहले से, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। इस सूत्र का हमें जानकारी होना चाहिए। हाँ, एक सूत्र और जरूरत पड़ेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये वर्ग अंतर है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। हो सकता है कहीं पे इस टाइप से लिखा हो और उसको इस टाइप से बदलना हो, जो इस आज के टॉपिक में जरूरत पड़ सकता है वो इसकी जरूरत पड़ सकता है, या ऐसा भी जरूरत पड़ सकता है कहीं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। इससे ज्यादा कुछ आज हमको जरूरत पड़ने वाला नहीं है। तो ध्यान दें, वर्गांतर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कहीं लिखा रहे जिसके स्थान पे हम एक बार इसको ऐड करेंगे, गुणा, एक बार इसको एक बार जोड़ेंगे, एक बार अंतर करेंगे बीच में गुणा का चिन्ह लगा के। एक फार्मूला ये है ए माइनस बी गुणे ए माइनस बी, ऐसे दो बार करेंगे तो गुणा करने पर, एक एक पर गुणा करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। यह लगातार लोग बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ऐसा बोलते हैं, ये भी चलेगा। ए प्लस बी होल स्क्वायर में यही चीज यहाँ प्लस हो जाएगा। बस आज इतने ही कॉन्सेप्ट की हमें जरूरत है। तो हम लोग कोशिश करेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए कि हमेशा जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप में रहे तो ए प्लस बी ए माइनस बी में बदलेंगे, या इस टाइप का कहीं दिया रहे तो उसको इस टाइप में कन्वर्ट करेंगे। तो आज हमें बस इतना ही आवश्यकता है। हाँ, तो देखिए पहला सवाल आज का कह रहा है 1.49 गुणे 14.9 माइनस 0.51 गुणे 5.1 बटे दिया है 14.9 माइनस 5.1 का मान है, निम्न में से कह रहा है एक का मान कौन सा है। तो आप यहां देखिए, तो हर में जो दिया है 14.9 माइनस 5.1, तो आपकी कोशिश होना चाहिए ये दोनों अदद क्या हो जाए, 14.19 हो जाए, और ये दोनों अदद क्या हो जाए, 5.1 हो जाए। ये सेम चीज है, केवल दशमलव का एक अंतर हो रहा है। अगर इसमें 10 से गुणा हो जाए तो ये भी 14.9 हो जाएगा, और इसमें 10 से गुणा हो जाए तो ये एक अंक दशमलव यहाँ खिसका के 5.1 हो जाएगा, और हमारा वर्गांतर लग जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मैं सवाल आपको समझा रहा हूं। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। अगर ऊपर ऊपर 10 से गुणा कर दें, ऊपर जवानी दिमाग में रखें, अब क्यों लिखूं मैं यहां, तो 1.49 गुणे 14.9 ठीक है माइनस 5.51 गुणे 5.1 बटे है 14.9 माइनस 5.1। हम चाहते हैं इसी टाइप का वर्गांतर हो जाए, तो ये दोनों पर 14.9 होगा। तो अगर मैं यहां 10 से क्या कर दूं, ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, तो यहां क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे। अगर 10 से ऊपर गुणा किए हैं अपने लाभ के लिए तो नीचे भी गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू तो बराबर आना चाहिए। तो चलिए ठीक है, इस 10 का यहां उपयोग करेंगे, जब इस 10 से अंदर गुणा करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 14.9। एक अंदर गुणा करिए तो हो जाएगा 14.9, और 14.9 यहां पहले से है तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस ये 10 यहां इसके लिए भी आएगा, अंदर ले जाकर गुणा करो तो 0.51 में 10 से गुणा करोगे तो एक अंक 0.5 दाहिनी तरफ जाएगा, तो ये भी 5.1 हो जाएगा, ये 5.1 पहले से है। देखिए रही बात स्पीड की, तो ये तो आपके ज्ञान के ऊपर है कि आपको गुणा करने का ढंग है कि नहीं है, ये सब डिपेंड करता है। तो शुरुआत से क्रमबद्ध वीडियो देखिए, सब कुछ ठीक ही होगा।
यस। अब ऊपर हो गया विद्यार्थी, अब नीचे देखिए, नीचे 10 गुणे, ये तो ऐसे उतार दीजिए, 14.9 माइनस 5.1। यस, अब ये वर्गांतर है, एक बार जोड़ लेंगे एक बार घटा लेंगे, तो जो घटाएंगे जिससे कट जाएगा, लड़का जिसे जल्दी जल्दी करना चाहता है तो घटाने वाले से कट जाएगा, तो मतलब 14.9 प्लस 5.1 बटे कितना बच रहा है, 10 बच रहा है, क्योंकि जब फार्मूला लगाएंगे, मैं समझा रहा हूं, चलो ठीक है, अगला जोड़ा क्या आएगा, 14.9 माइनस 5.1, हाँ अगला जोड़ा आएगा, और नीचे यही चीज फिर लिखा है, कितना 14.9 माइनस 5.1। जैसे आप कंपटीशन परीक्षा में हैं तो आप ये सब लाइन नहीं लिखेंगे, जल्दी जल्दी काम करेंगे, क्योंकि हर में हमें 14.9 माइनस 5.1 चाहिए, तो जाहिर है कि अगर ये 14.9 का होल स्क्वायर हो जाए, ये 5.1 का होल स्क्वायर हो जाए, तो 5.1 ये कैसे होगा अगर इसमें 10 से गुणा हो जाए, ये 14.9 कैसे होगा इसमें 10 से गुणा हो जाए, तो ऊपर भी 10 से गुणा कर दिया और नीचे भी 10 से गुणा कर दिया, नीचे वाला 10 अलग से रखे हैं, अभी बाद में इसका उपयोग कर लेंगे हम लोग, बस इतनी सी बात है। हाँ तो ये तो कैंसिल हो गया, ये लिखना ही नहीं चाहिए, जल्दी जल्दी सवाल लगाना है, अगर आपको टिक लगाना है तो ये चीज लिखना नहीं चाहिए। ये हो रहा है 14.9 का होल स्क्वायर, ये हम समझते हैं कि आप समझ गए होंगे, 10 से गुणा किए होंगे तो ये 14.9 आया होगा, पहले से 14.9 है तो ये होल स्क्वायर हो गया, इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 5.1 हो जाएगा, 1.5 पहले से वर्गांतर हो गया, वर्गांतर हो गया तो एक बार जोड़ लेंगे एक बार घटा लेंगे, चलिए ठीक है ये कट गया। अब 14.9 में 5.1 जोड़े गए तो 9 × 10 के 0 हो गया, हासिल 1, हासिल 1, तो ये भी 5 हो जाएगा, 5 × 10 के 0, हासिल 20, 20/10, तो इससे कट जाएगा, 2 आएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये रहा पहला सवाल, और बहुत ही अच्छा सवाल दिया था, 10 से गुणा करके वर्गांतर दिया, हर के हिसाब से आपको करना था यहाँ पे। हाँ क्वेश्चन 2 देखते हैं विद्यार्थी, क्वेश्चन 2 देखिए आप, क्वेश्चन 2 कह रहा है 2.644 प्लस 2.356, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में यही चीज क्या है, अंतर में दिया हुआ है, का सरलीकरण करने पर प्राप्त होता है। हाँ तो ये देखिए, ये अपने आप इतना मतलब आसान सवाल दिया था, ये देखिए यहां पे ए प्लस बी ए माइनस बी दिया है, तो हो सकता है माइनस, ये वैल्यू 1 से कम है, और ये वैल्यू घटाने पर भी क्या आएगा, 1 से कम आएगा, 1 से कम आएगा, तो हो सकता है ऐसा ये दिया हो कि इसी के बराबर आता हो इसका घटाओ, तो ये बराबर आ रहा है, 14 में 6 गए 8 आ रहा है, देखिए यहां बचा 3, 13 में 5 गए 8 आ रहा है, यहां बचा 5, 5 में से 2 गए, 5 में से यहां कितना बचा है, हाँ ठीक है, 5 में से 3 गए 2 आ रहा है, तो ये अपने आप इससे कट रहा है, अनायास हमको परेशान मतलब देखने में लग रहा है भारी होगा, कैलकुलेशन करना होगा, ये ए प्लस बी ए माइनस बी टाइप से दिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप करने लगेंगे तो बहुत कठिन हो जाएगा, ये संजोग से ये धोखा दिया था, करके वर्गांतर कर दिया इस टाइप से बना के, और वर्गांतर करने पर कटने के लिए नीचे से पहले आ गया है, इसी के बराबर ये दिया हुआ है, ये कट गया, बस इसे जोड़ लेना है, वो आपका आंसर हो जाएगा, तो ये 2, 2, 4, 6, 4, 10, 4, 1, 5 आएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बिना हल किए सवाल हो गया। अरे भाई 2, 2, 4 हो गया, अब ये 3 है तो एक इधर जाएगा, 4 जोड़ लेंगे, या पूरा जोड़ ले यार, 6, 4, 10 के 0, देखो 6, 4, 10 के 0, हासिल 1, अब दूसरा हो 5, 9, 10 के 0, हासिल 1, हासिल 1 4 हो गया, 6, 4, 10 के 0, हासिल 1, तो 2, 2, 4, 5 इतना आ रहा है, तो ऑप्शन बी करें, कुल लग रहा है अपने आप, तो बिना पेन चलाए ये सवाल आपका सॉल्व हो गया है। हाँ फ्रेंड्स, तीसरा सवाल देखा जाए, तीसरा सवाल कह रहा है 6.4 का होल स्क्वायर माइनस 5.4 का होल स्क्वायर बटे दिया है 8.9 का होल स्क्वायर प्लस 8.9 गुणे 2.2 प्लस 1.1 का होल स्क्वायर, तो बहुत ही आसान सवाल है, ये वर्गांतर एक बार जोड़ लेंगे एक बार घटा लेंगे, ये तो एकदम क्लियर है हमारा, तो एक ब्रैकेट में आएगा 6.4 प्लस 5.4, अगले ब्रैकेट में आ जाएगा 6.4 माइनस 5.4, यस, और नीचे आएगा, देखो नीचे ध्यान दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 8.9 है, यहां भी 8.9 है, यहां पे 1.1 है, यहां 2.2 कर दिया है, तो 2.2 को हम कह सकते थे कि 2 × 1.2,
ये वास्तव में हो रहा है 8.9 प्लस 1.1 का होल स्क्वायर दिया है। इसका वर्ग ये दिया है, धन इसका वर्ग ये दिया है, धन दोनों पदों के गुणनफल का दूना, तो 2 × 1.1 × 8.9 यही होगा। यहां देखें 2 × 8.9 × 1.1, तो ये चालाकी क्या किया है, 1.1 × 2 = 2.2 कर दिया है। तो मतलब ये इसी का होल स्क्वायर है। ये 1.1 को क्या कह दे, 1.1 को 2.2 कह दे, 1.1 × 2। तो अब एकदम फार्मूले पे बैठ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसका वर्ग प्लस 2 × 1.1 × 8.9 कर दी। तो ये चालाकी में क्या किया, 1.1 × 2 के स्थान पे लिख दिया क्या 2.2, 11×2 = 22, बस यही किया है। वरना सवाल एकदम आसान खत्म। हाँ ये देखिए, हाँ तो ये जोड़िए भैया, देखिए क्या हो रहा है। ये तो ये 4×4 = 8 हो रहा है, 4×4 = 8 और 6×5 = 11, 11.8 यहां आ रहा है। और ये वर्गांतर देखिए, 4×4 = 8 हो गया, 6×5 = 11, ठीक है वर्गांतर, तो ये तो 1 आ रहा है। हाँ 4×4 = 1, तो 6.4 में से 5×4 घटाएंगे कितना आएगा 1। नीचे देखिए आप कितना आ रहा है, ये आएगा 9×10 = 0, हासिल 1, 9×1 = 10, इतना आ रहा है। और ये क्या है होल स्क्वायर, मतलब 8.9 में 1.1 जोड़ेंगे 10 आ रहा है, 10 का वर्ग 100 होता है। तो 11.8 में 100 से जब भाग देंगे तो 2 × 8 इधर आ जाएगा, 0.118। मतलब काफी आसान था, अनायास हम लोग रुक रुक कर सॉल्व कर रहे थे, देख रहे थे, तो अपने आप ही सब कट जा रहा है। तो ये एक सवाल ये आपका हो गया, तो बहुत अच्छा सवाल था ये आपके लिए, जो कंफ्यूजन था ये इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं ये चीज। तो ये क्या किया, 1.1 × 2 को कंबाइन करके रख दिया था। तो यस, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 5.5 × 4 − 0.4 = 0.5 ² + 0.4 ². तो ये 4 दे दिया, और 4 का वर्गांतर हम जानते नहीं, तो 2 कर लो ना भाई। तो आप इसको ऐसा कर लीजिए, सवाल नंबर 4 देखें, तो इसको स्क्वायर कर लिए, 0.5 का वर्ग कर दो। अब इसको लगा दो क्या, 2 और लगा दो, ये हो जाएगा। यहां भी कर दे −0.4 → 2, और अब इसको लगा दो फिर से 2। अब नीचे देखो, नीचे 0.5 → 0.4 → 2, बस खत्म हो गया। अब इसे वर्गांतर कर लो, ये अंदर वाले को एक पद मानो ए, और अंदर वाले को मान लो बी, तो a² − b² टाइप समझो, एक बार इसको जोड़ लो, एक बार इसको घटा लो, ठीक है। तो 0.5 → 2 + 0.4 → 2 एक बार जोड़ लिए एक वर्गखंड में, और अगले वर्गखंड में एक बार इसको घटा लेंगे, 0.5 → 0.4 / 0.5 → 0.4 → 2, इससे ये क्या हो जाएगा, अरे ये सेम है, कैंसिल हो जाएगा, 0.5 → 0.25 होता है, और −0.4 → 0.16 होता है, तो आएगा 25 में 16 = 9 होता है, तो 0.09 आएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इसमें विद्यार्थी कुछ भी नहीं है, 4 लगा है, तो आप इसको बिल्कुल परेशान ना हो। तो 4 × 2 अंदर कर लो, कोई कहे नहीं हम ऐसा करेंगे, 0.5 → 0.25 लिखेंगे, तो लिख दे भैया, हमें कोई इतराज नहीं है। 0.4 → क्या लिख दे, 0.16 लिख दे, ठीक है। अब इसका वो जो वर्गांतर करेगा, तो यहां दोबारा क्लियर कर ले, हमारा सवाल तो हो गया, लेकिन और जानकारी किया जाए। हाँ तो 0.5 → 2 कर ले, एक बार वर्ग अंदर हो गया, तो ये आया 0.25 → 2 बचा, माइनस इसका वर्ग एक बार कर ले, 2 बचेगा, तो 0.16 बचेगा, और ये हो गया
अब नीचे क्या कर ले, नीचे भी आप उसी टाइप से वर्ग करके रख दो, 10.5 का वर्ग 10.25 हो जाएगा और प्लस 10.4 वर्ग 10.16 हो जाएगा। 10.4 गुणे 10.4, 4×16 हो गया, 2 अंक पे 10 लगता है, ये सब आप जानते होंगे। यस, अब बस एक बार जोड़ लेते हैं, एक बार घटा लेते हैं। जोड़ेंगे 10.25 प्लस 10.16, एक ही मिलेगा, 10.25 माइनस 10.16 ये मिलेगा, और नीचे 10.25 पहले से है। अब उसमें पूरा सवाल हमको थोड़ी लगाना होता है, ये चीज है। हाँ, तो 10.25 में से 10.25 में से 10.16 घटाएंगे, 15 में 6 9 0 1, तो ऑप्शन बी ए करेक्ट। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वर्गांतर का सूत्र है। ध्यान दें, 1 घाते 4 माइनस b घाते 4 अगर किसी लड़के को करना हो तो ये जो है ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लो भाई, बस खत्म। अब इसे दिमाग में ए रखो, इसे बी एक बार जोड़ लिया जाए, एक बार जोड़ लिया जाए और फिर एक बार क्या कर लिया जाए, घटा लिया जाए। तो इसका वर्गांतर क्या है, देखो चार वाले का, चार वाले को इस टाइप से आप लिख सकते हैं, ये चीज बस इसके आधे पद में रहेगा। हाँ, अगर कहीं आवश्यकता रहेगी तो a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी, ए माइनस बी भी हम लिख सकते हैं, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, पांचवा सवाल देखा जाए। पांचवा सवाल कह रहा है 3.4567 का होल स्क्वायर माइनस 3.4533 का होल स्क्वायर बटे 0.0034 का सरलीकरण करने पर प्राप्त परिणाम है, इसमें से कोई एक आंसर होगा। हाँ, अब ध्यान दीजिए, ये वर्गांतर है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार a प्लस बी, a माइनस बी। देखिए ये वैल्यू एक से कम है तो जाहिर है वर्गांतर वाले से ये कट रहा होगा, शायद वर्गांतर वाले से। तो इतने में से इतने को जिस जबानी आप सवाल लगा रहे हो तो आपका दायित्व तो बनता है कि ये बहुत छोटी वैल्यू है 0.0034, तो हो सकता है घटाने पे ये फिट बैठ रहा हो तो कट जाएगा, केवल जोड़ने वाला आप देख के आंसर लगा दोगे, ठीक। तो इसने में से ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी आएगा, तो ए माइनस बी वाला घटा के देख लो, इतने में से देखो 4-5 तक मिल गया, तो ये इतना घटाना है, तो 7 में से 3 गए 4 ये मिल रहा है, 6 में से 3 गए 3 देखिए घटाने पर टोटल कट जा रहा है, तो आपका जो आंसर बच रहा है केवल जोड़ने वाला बच रहा है 3.4567 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी वाला कट गया, ए प्लस बी देख लो और 3.4533 बस ये जोड़ लो आंसर आ जाएगा। 7×3 10 0 1 7×3 10 0 1 5×10 11 1 5×4 9 6.91 ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब भैया जिनको पूरा लगाना है, मन कर रहा है, वो अपना पूरा देखें, तो 3.4667 प्लस वर्गांतर लगाइए 3.4533, एक बार ए प्लस बी एक बार ए माइनस, 3.4567 माइनस 3.4533 ये हो गया वर्गांतर हो गया, और नीचे है क्या 0.0034, ये घटाने पर जो है इसी के बराबर आ रहा है, हम लोग देख चुके हैं, बस इसको जोड़ लेना आंसर के लिए, जो कि हम जोड़ चुके हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। हाँ, ये तो विद्यार्थी हो गया आपका फॉर्मूला। अब आइए क्वेश्चन 6 पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए माइनस बी, ऐसा दिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, और ए माइनस बी आप नीचे इंतजार कर रहा है, मतलब बहुत ही आसान सवाल है, और केवल इसको जोड़ना है, 0.0 a - b नीचे दिया तो a - b ऊपर नीचे वाला कट जाएगा, केवल जोड़ देना 0.03 धन 0.01 तो 3×1 4, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये सवाल बिना पेन चलाए आपका हल हो गया। तो 80% सवाल ऐसे होते हैं जिसमें कैलकुलेशन नहीं होता, लेकिन 20% न्यूमेरिकल में आपको करना पड़ेगा, तो आप इसे काफी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, लास्ट में देखा जाए 7वां सवाल, सरल कीजिए, 5.32×56 प्लस 5.32×44 बटे 7.66 का होल स्क्वायर माइनस 2.34 का होल स्क्वायर, ऐसा कह रहा है। तो ये देखिए कितना आसान सवाल है, तो 5.32 कॉमन ले लीजिए आप,
5.32 आपने काम में ले लिया, तो यह 56+44, ये 56+44 ये जोड़ने पर हमें लगता है 100 हो जाएगा। यस, और नीचे देखिए a² - b² एक बार जोड़ लीजिए एक बार घटा लीजिए, 7.66+2.34 एक बार जोड़ लिए और एक बार अंतर कर लेते हैं, 7.66 - 2.34 तो ये चीज आया है। हाँ, तो ये 5.33 यस, ये देखिए 5.33 शायद इससे कट रहा है, आप देख लीजिए केवल इससे ये कट रहा है, तो 6 में से 4 गए 2 देखिए मिल रहा है, और 6 में से 3 गए 3 मिल रहा है, 7 में से 2 गए 5 मिल रहा है, तो इससे ये कैंसिल हो रहा है अपने आप। तो 100 बटे 56 44 100 बटे ये 7 × 9 = 10 होता होगा, ये 7 × 9 यही हो गया, और ये 6 × 4 = 10 हो जाएगा, ठीक है, 6 × 4 = 10 के 0 हासिल 1 हासिल 1 = 4 हो गया, 6 × 4 = 10 के 0 हासिल 1, तो 7 × 9 = 10 हो गया, तो इससे कैंसिल हो गया, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 10 आ रहा है। तो बहुत अच्छा सवाल था कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये सब कैलकुलेशन ही है। हाँ, लास्ट में हम लोग देखते हैं 8वां सवाल, विद्यार्थी 3.5 × 3.5 (2 × 6.5 × 3.5 × 6.5) तो यहां देखिए ये 3.5 × 3.5 है, 3.5² + 2 × 3.5 × 6.5 ये आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, देखिए 2ab कोई दिक्कत नहीं, अभी 6.5 × 6.5 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो जाएगा, वास्तव में a² + b² + 2ab का फार्मूला है, तो 3.5 × 6.5 का क्या लगाएंगे, होल स्क्वायर, इसी का तो होल स्क्वायर है, इसका वर्गीय धन इसका वर्गीय धन दोनों पदों के गुणनफल का दूना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो 6 × 3 = 9 = 10, 10² = 100 आ रहा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, a² + b² + 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 3.5 × 6.5 आ रहा है जोड़ने पे 10, और 10² = 100 होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही, आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।